आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो तो क्वेश्चन है द कैरियर ऑफ अमीबियोसिस इज तो पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं कि जो अमीबियोसिस है इस डिजीज का कैरियर कौन है तो अमीबियोसिस एक पैरासाइटिक इंफेक्शन है जो इंटमिबाहस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन है उसे कॉज होता है और ये इन्फेक्ट करता है इंटेस्टाइन को ठीक है और जब हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन होता है एक, एक पर्सन में उसमें ये सिम्टम्स देखा जा सकता है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या एक्सेसिव म्यूकस और ब्लड इन द स्टूल और स्टमक पेन या क्रैम्स एक्सेट्रा वीकनेस ये सब हो सकता है और यहाँ पर देखिए कि जो एंटमिपा हिस्टोलिटिका है जो प्रोटोजोन है वो कॉजेटिव एजेंट है कैरियर नहीं ठीक है मतलब ये डिजीज कै कॉज करता है कैरी नहीं करता है ठीक है और ये इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है ये स्प्रेड होता है बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड को खाने से सिर्फ ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है तो हमें पता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो इंसेक्ट है जो फूड या पानी को कंटामिनेट करता है वो है हाउस फ्लाई और ये हाउस फ्लाई इसका एबिलिटी ये अमीबियोसिस अमीबियोसिस इंफेक्शन को कैरी करना भी है ठीक है क्योंकि जो एक कंटामिनेटेड फूड फॉर एग्जांपल लेते हैं उसमें इंट, हिस्टोलिटिका है और ये आ, हाउस फ्लाई इसे उस कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड एरिया या फूड से उसे लेकर एक नॉर्मल फूड में ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि अगर हमने फूड को क्लोज नहीं किया या ठीक से नहीं रखा तो हम देख सकते हैं कि कुछ हाउस फ्लाइज आके वहाँ पर बैठ सक बैठे रहते हैं है, है ना और इस तरीके से वो ये अमीबियोसिस डिजीज जो है उसे स्प्रेड कर सकते हैं तो हाउस फ्लाई एक वेक्टर है इस अमीबियोसिस डिसीज़ का वेक्टर मतलब कैरियर है ये ये अमीबियोसिस को कॉज नहीं करता है बल्कि इसे इसे कैरी कर सकता है ठीक है तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं ऑप्शन ए है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका अब ये हमने बोला कि ये कॉजेटिव एजेंट है कैरी नहीं कर सकता ठीक है तो ये गलत ऑप्शन है ऑप्शन बी है मॉस्किटो मॉस्किटो अमीबियोसिस को कैरी नहीं कर सकता है बल्कि और कुछ डिजीज है जो मस्कीटो कैरी कर सकता है जैसे कि अम, मलेरिया डेंगू एक्सेट्रा तो ये भी गलत है क्योंकि ये अमीबियोसिस को कैरी नहीं कर सकता उसके बाद है सी मुस्का मुस्का मतलब ये हाउस फ्लाई का स्पीशीज़ हो सकता है कि मुस्का डोमेस्टिका है कॉमन हाउस फ्लाई तो ये सही है पर हम ऑप्शन डी भी देख देख लेते हैं एक बार ये है प्लास्मोडियम वायोवैक्स और ये मलेरिया को कॉज करता है बल्कि को नहीं और एक कैरियर भी नहीं है ये जस्ट लाइक एंटोमीपिस्टोरिटिकल प्लास्मोडियम इज ऑल्सो कैरियर तो ये भी हुआ गलत तो हमारा आंसर है मुस्का ऑप्शन सी थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई, आई टी चाहिए मीनस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर